हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस के सेकेंड वीडियो लेक्चर पे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हॉफमन एलिमिनेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जेडब्ल्यूई मेंस एडवांस और नीट में इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, किसी भी बीटा एलिमिनेशन और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के रिएक्शन में क्या होता है, दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, सेटजेफ और हॉफमन। ठीक है, अगर मैं एक नॉर्मल कंडीशन की बात करूं, ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये जो सेटजेफ प्रोडक्ट होता है उसको हम मेजर प्रोडक्ट मानते हैं और जो हॉफमन प्रोडक्ट होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज करिए मेरे पास एक ये हेलो अल्केन है, ठीक है, ये एक हेलो अल्केन ले रखा है मैंने, ठीक। इसके ऊपर अगर मैं दो रिएक्शन कंडीशंस को यहां पे बना रहा हूं, अगर मैंने किसी स्मॉल बेस का प्रेजेंस रखा है, ठीक है, अगर किसी स्मॉल बेस का प्रेजेंस रखा है, स्मॉल बेस कैसा, लाइक हम यूज करते हैं क्या एल्कोहलिक KOH, सबने यूज किया होगा एल्कोहलिक KOH, बीटा एलिमिनेशन का काम करता है, ठीक है। या इसके अलावा देखिए हम किसका यूज कर सकते हैं, सोडियम एथॉक्साइड C2H5O-Na+, ठीक है, इन इथेनॉल C2H5OH, ठीक है। तो अगर कुछ स्मॉल बेस का हम यूज करते हैं तो ऐसे कंडीशन को हमने नॉर्मली डिस्कस किया हुआ है कि ऐसे कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर होता है, ऐसे कंडीशन में सेटजेफ प्रोडक्ट हमारा मेजर होता है, ठीक है। सेटजेफ प्रोडक्ट कौन सा होता है, ठीक है, सेटजेफ रूल में क्या होता है कि जो हाईली सब्सटीट्यूटेड अल्कीन होता है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बोला जाता है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स से जो अल्कीन स्टेबल होता है वो ही हमारा मेजर प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं इस हेलो अल्कीन की डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की बात करूं या बीटा एलिमिनेशन की बात करूं, तो एक बार अगर इस कार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो एक बार पाई बॉन्ड यहां पे जनरेट होगा, इस कार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहां पे पाई बॉन्ड जनरेट होगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन हैलोजन्स यहां से एलिमिनेट होंगे। तो देखिए हम नॉर्मल कंडीशन में क्या बनाते हैं, दो तरह के प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक हमारे पास पाई बॉन्ड यहां बीच में जनरेट होता है और प्लस एक बार पाई बॉन्ड हमारा ये साइड में जनरेट होता है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए जो हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की, इस प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, ये एक सेटजेफ प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये हाईली सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है। इन दोनों में जो सबसे ज्यादा सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है वो कौन सा है, ये सी पाई बॉन्ड सी पे, यहां पे दो अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, थीके? तो इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, सेटजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, सेटजेफ प्रोडक्ट। जबकि जो ये वाला प्रोडक्ट है इसमें उसके कंपैरिजन में लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है, ये इसके पास एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कम है, तो इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं हॉफमन प्रोडक्ट, ठीक है, हॉफमन प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन है कि कोई भी स्मॉल बेस प्रेजेंट है तो जो सेटजेफ प्रोडक्ट होता है वो ही क्या होता है, एक मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जबकि जो हॉफमन प्रोडक्ट होता है वो कैसा प्रोडक्ट होता है, एक माइनर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, क्लियर। ये नॉर्मली हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि बीटा एलिमिनेशन करेंगे तो जो हाईली सब्सटीट्यूटेड अल्कीन होगा या जो सेटजेफ प्रोडक्ट होगा वो एज अ मेजर प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे और जो लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन होगा, हॉफमन प्रोडक्ट होगा, उसको एज अ माइनर प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे, ठीक है। बट देखिए यहां पे कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें ये हॉफमन प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, इवन अनस्टेबल अल्कीन होते हुए भी। जबकि यहां पे अगर हम बात करें तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल अल्कीन तो ऑब्वियसली यही था, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ज्यादा है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3-3-6 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, ठीक है, जबकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन्स के नंबर कितने हैं, ओनली 2 है, यहाँ पे केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए वो कौन से केसेस हैं, वो कौन से कंडीशंस हैं जिसमें ये हॉफमन प्रोडक्ट जो होता है वो एज अ मेजर प्रोडक्ट कंसीडर किया जाता है, उन केसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहां पे मैं सबसे पहले बात करूं तो अगर मैं कोई बल्कियर बेस का प्रेजेंस लेता हूं, ठीक है,
मैंने कोई स्मॉल बेस नहीं लिया हुआ है, मैंने कोई बल्कियर बेस का प्रेजेंस लिया है, बल्कियर बेस। ठीक है, बल्कियर बेस जैसे कि हमारे पास सपोज करिए पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लिया हुआ है हमने, ठीक है, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, सी एस थ्री ओ माइनस के प्लस। ठीक है, ये कैसा है, देखिए यहां पे एक टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन प्रेजेंट है और आगे पोटेशियम आयन हमने लगा रखा है, तो इसको शॉर्ट में हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है, टी बी यू ओके, ठीक है, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इस तरीके से भी लिखते हैं के ओ टी बी यू। ठीक है, इन दोनों का ही मतलब क्या है, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, तो ये कैसा बेस है, ये एक बल्कियर बेस है, यहाँ पे देखिए बहुत ही ज्यादा बल्कियर है, ये तीन तीन अल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर मैं एक बल्कियर बेस के प्रेजेंस में यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन करता हूं, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन तो समझ में आ रहा है, ये हैलोजन इस कार्बन से अटैच है, ये अल्फा, यहाँ पे नेक्स्ट जो कार्बन है वो बीटा कार्बन प्रेजेंट है, ये कार्बन भी बीटा है, ये कार्बन भी बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों अल्कीन में, ठीक है, ये जो अल्कीन बना ये वाली बीटा हाइड्रोजन को रिलीज करते हुए, और ये जो अल्कीन बना, ठीक है, इस वाले बीटा हाइड्रोजन को रिलीज करते हुए, तो यहाँ पे इस हाफ वन प्रोडक्ट की, ठीक है, ये हाईली सब्सटीट्यूटेड वाले को क्या बोलते हैं, सेटचेफ प्रोडक्ट, ठीक है, और ये लेस सब्सटीट्यूटेड वाले को क्या बोलते हैं, हाफमन प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पे जो ये हाफमन प्रोडक्ट है ये हमें एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, कंडीशन देखिएगा, अगर कोई स्मॉल बेस प्रेजेंट है इस तरह का, तो जो सेटचेफ प्रोडक्ट होगा वो एज अ मेजर प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे, जबकि अगर कोई बल्कियर बेस प्रेजेंट है, ठीक है, बल्कियर बेस प्रेजेंट है लाइक पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, तो जो हाफमन प्रोडक्ट होगा वो एक यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट की तरीके से कंसिडर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस बल्कियर बेस की जगह पे एक और बेस हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की जगह पे, और हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, एलडीए का, ठीक है, एलडीए का फुल फॉर्म है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, ठीक है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। ठीक है, इसके भी प्रेजेंस में सेम वर्क फंक्शन होता है, ये भी एक बल्कियर बेस है। ओके, अब देखिए ऐसा होता क्यों है, ठीक है, कि अगर मैंने कोई बल्कियर बेस लिया हुआ है तो जो लेस सब्सटीट्यूटेड, इवन ये जो अल्कीन है ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसके कंपैरिजन में देखें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम है, फिर भी ये मेजर प्रोडक्ट है और ये वाला प्रोडक्ट कैसा है, माइनर है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो चलिए इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं यहां पे, ये जो मैंने हेलो अल्केन लिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये सॉरी अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। ठीक है, इन बीटा कार्बन पे कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिसे हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, ये हेलोजन एलिमिनेट होगा, हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि ये पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बॉन्ड लाइन फॉर्म में इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इसका अटैक करता हूं इस हेलो अल्केन के ऊपर, तो देखिए ये वाला जो कार्बन है इसकी डिग्री कैसी है, ये 1 डिग्री का कार्बन है, ठीक है, प्राइमरी कार्बन है। ये कार्बन को अगर मैं बोलूं तो ये कैसा है, 1 डिग्री वाला कार्बन है, जबकि इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री का कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे स्टीयरिक क्राउडिंग ज्यादा प्रेजेंट है, स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा प्रेजेंट है, मतलब किसी को भी अगर यहाँ अटैक करने आना है, ठीक है, यहाँ इस एरिया में, तो उसे स्टीयरिक हिंड्रेंस फील होगा क्योंकि ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री का कार्बन है। तो यहाँ पे देखिए जो बल्कियर बेस है, जब वो बल्कियर बेस अटैक करने आएगा, ठीक है, ये हमने लिया पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ठीक है,
पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, तो यहां पे अगर वो अटैक करेगा ठीक है, इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा ठीक है, तो यहां पे इसको क्या फील होगा, एक ग्रेटर क्राउडिंग का फील होगा ठीक है, स्टीयरिक हिंड्रेंस का फील होगा ठीक है, बात समझ रहे हैं। जबकि यहां पे अगर ये किस पे अटैक करता है, ये अगर इस पे अटैक करता है, ये वाले हाइड्रोजन को एलिमिनेट करता है ठीक है, तो यहां पे इसे बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस फील नहीं होगा क्योंकि ये 1 डिग्री का कार्बन है, बात को समझ रहे हैं ठीक है। तो ये बेस जो है बल्कियर होने की वजह से उस साइट पे अटैक करना पसंद होगा जो जहां पे क्या होगा, लेस अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे या बोलूं तो ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे ठीक है, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वैल्यू क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम होगा ठीक है। तो यहां पे देखिए रीजन यही है कि अगर ये बल्कियर बेस फिर अगर 1 डिग्री के कार्बन पे अटैक करता है तो ये वाला हाइड्रोजन लेके जाएगा ये बेस, और ये हाइड्रोजन लेके जाएगा, तो पाई बॉन्ड का जनरेशन कहां पे होगा, यहां पे होगा, और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा हाफ मन प्रोडक्ट वो क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, बात को समझ रहे हैं ठीक है। जबकि यहां पे अगर ये अटैक करेगा तो फिर इस तरफ पाई बॉन्ड बनेगा और फिर ये सर्चअप प्रोडक्ट होगा, बट वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा इस केस में ठीक है। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर कोई बल्कियर बेस प्रेजेंट है तो हाफ वन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ ठीक है, मैं कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ, जैसे मैं सपोज करिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ ठीक है, एग्जाम्पल टू, अगर मेरे पास सपोज करिए इस तरह का एक हेलो अल्केन प्रेजेंट है ठीक, कुछ इस तरह का ठीक है, यहां पे भी मैंने सेम रिएक्शन करी ठीक है, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की रिएक्शन करी ठीक है, टी बी यू ओके की रिएक्शन ठीक है, तो फिर से बीटा एलिमिनेशन होगा। वापस ध्यान दीजिए, ये वाला कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन, उसका नेक्स्ट कार्बन, यहां भी देखिए बीटा कार्बन प्रेजेंट है, ये भी एक बीटा कार्बन है, ये भी एक बीटा कार्बन है, लेकिन वापस से अगर देखें तो इस बीटा कार्बन की डिग्री 2 है, इस बीटा कार्बन की डिग्री 2 है, इस बीटा कार्बन की डिग्री 1 है, यहां पे देखो तो ये दोनों के दोनों कार्बन ठीक है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों कार्बन कैसे हैं, 2 डिग्री के हैं, यहाँ पे ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट है, 2 डिग्री के हैं, जबकि ये वाले कार्बन की अगर बात करूं तो ये 1 डिग्री का कार्बन है, यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं प्रेजेंट है। तो प्रोडक्ट 2 हो सकते थे, एक बार ये वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होता तो यहां पाई बॉन्ड बनता, इधर इधर दोनों सेम कंडीशन थी, प्रोडक्ट एक ही होता, लेकिन यहां पे जब ये रिलीज होगा तो ये 1 डिग्री कार्बन से पाई बॉन्ड यहाँ पे जनरेट होगा ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो देखिए 2 प्रोडक्ट्स होंगे, क्लियर, एक इस तरीके का ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएगा ठीक है, अगर पाई बॉन्ड यहाँ पे जनरेट करूंगा तो ये नीचे की तरफ मैं बना देता हूँ ठीक है, इस तरीके से क्लियर, और अगर साइड में अगर मैंने यहाँ पे पाई बॉन्ड जनरेट किया ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड के जनरेशन पे जो दूसरा प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एक ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा ठीक है, इस तरीके से क्लियर है। बट यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये प्रोडक्ट मेजर होगा, ये हाफ मन प्रोडक्ट है ठीक है, ये एक हाफ मन प्रोडक्ट है, जबकि ये वाला प्रोडक्ट कैसा है, ये एक सेटचफ प्रोडक्ट है ठीक है, और हाफ मन प्रोडक्ट ही यहाँ पे क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा ठीक है, और जबकि सेटचफ प्रोडक्ट यहाँ पे एक माइनर प्रोडक्ट होगा, बात को समझ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए हम ले सकते हैं ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, इस तरीके का मेरा एक साइक्लोहेक्सेन है और इसके ऊपर हमने ये एक मिथाइल ग्रुप लगा रखा है और एक क्लोरीन लगा रखा है ठीक है। वापस से इसके हम रिएक्शन करते हैं पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन के साथ, सॉरी बेस के साथ ठीक है। तो देखिए यहां पे भी ये क्लोरीन है, क्लोरीन का नेक्स्ट ये अल्फा, दिस इज योर बीटा, दिस इज योर बीटा, दिस इज योर बीटा कार्बन,
ठीक है, वापस से तीन बीटा कार्बन। पाई बॉन्ड का जनरेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, सॉरी यहाँ पे, ये दोनों ही प्रोडक्ट तो सेम होंगे, ठीक है, यहाँ पे एक डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखिए वापस से हमारे दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक प्रोडक्ट क्या होगा ये बाहर की तरफ पाई बॉन्ड बनेगा, और एक प्रोडक्ट जो होगा उसमें अंदर की तरफ पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये दो प्रोडक्ट होंगे। अब इसमें वापस से देखें तो ये वाले अगेन जो कार्बन थे, ये वाला कार्बन ज्यादा स्टीयरिकली हिंडर्ड था, क्योंकि अगेन से ये 2 डिग्री का कार्बन था, ये 2 डिग्री का कार्बन था, ठीक है, और ये वाला कार्बन कैसा है, ये 1 डिग्री का कार्बन है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक सेट जब सॉरी ये एक हाफ वन प्रोडक्ट है, ठीक है, जबकि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये क्या है, एक सर्च ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, बात को समझ रहे हैं। और हाफ वन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, जबकि सर्च ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे माइनर होगा, ओके। तो ये एक लास्ट एग्जांपल की चलिए बात कर लेते हैं, एग्जांपल 4, ठीक है, एग्जांपल 4 में बात समझ में आ रही है। हमारे पास है CH3, Br, CH3, ठीक है, और इसके ऊपर किसी बल्कियर बेस का अटैक किया मैंने, ठीक है। तब तो आप समझ गए होंगे आई थिंक, वीडियो को पॉज करके आप खुद इसमें हाफ मन प्रोडक्ट और सेट जब प्रोडक्ट का जनरेशन कर सकते हैं। सो एक बार आप वीडियो पॉज करिए और खुद से सोचिए मेजर और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। चलिए फिर मैं बताता हूं कि आपको मेजर और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए यहाँ पे भी ये हेलोजन है, ठीक है, हेलोजन का नेक्स्ट कार्बन ये अल्फा, यहाँ पे भी देखिए इधर बीटा कार्बन प्रेजेंट है, ये बीटा कार्बन प्रेजेंट है, ये बीटा कार्बन प्रेजेंट है, और इनके ऊपर ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो वापस से देखिए, अगर मैं बल्कियर बेस, देखिए क्राउडिंग यहाँ साफ साफ आपको दिख रही है कि अगर कोई बल्कियर बेस आएगा, ठीक है, बल्कियर बेस आएगा, ठीक है, तो वो कहां पे अटैक करेगा, वो लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक करेगा, ठीक है। और लेस हिंडर्ड आपको तीनों में कौन सा दिख रहा है, ठीक है, ये तीनों कार्बन में, ये दोनों तो इक्विवेलेंट कार्बन है, सेम एक ही जैसे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पाई बनाओ, यहाँ पे पाई बनाओ, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये वाले कार्बन में देखिए ये ज्यादा स्टीयरिकली क्राउडेड है, ठीक है, क्योंकि ये कैसा 3 डिग्री का कार्बन है अभी, ठीक है, ये कार्बन की डिग्री कैसी है, 3 डिग्री का कार्बन है। जबकि ये कार्बन या ऊपर वाले कार्बन की बात करूं, वो कैसे कार्बन है, ये 1 डिग्री का कार्बन है। तो ये बल्कियर बेस किस पे जाना पसंद करेगा, ये 1 डिग्री के कार्बन पे जाना पसंद करेगा, ना कि 3 डिग्री के कार्बन के पास जाना, ठीक है, बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जाएगा और इसके हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा, और इसके हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा, ये हेलोजन एलिमिनेट होगा, तो पाई बॉन्ड कहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो देखिये यहाँ पे 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, एक प्रोडक्ट हमारा कैसा बन सकता है, इस तरीके का बन सकता है, और दूसरा प्रोडक्ट हमारा कैसा बन सकता है, जब यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा, ठीक है, तो वो इस तरीके का प्रोडक्ट बन सकता है। तो इन दोनों प्रोडक्ट में ये देखिए आपका हाफ वन प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये हमारा सर्च प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हाफ वन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, जबकि ये जो सर्च प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एक अदर कंडीशन की, ठीक है, एक और केस है, ठीक है, ये अपना एक केस 1 हो गया, ठीक है, एक और केस है हमारे पास, केस 2, ठीक है, जहां पे हाफ मन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। देखिए सपोज अभी हमें सबको लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी पता होगी हैलोजन्स में, हैलोजन्स की अगर लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी की बात करें, ठीक है, सबसे पहले मैं लिविंग ग्रुप टेंडेंसी की बात करता हूं। तो अगर मैं लिविंग ग्रुप टेंडेंसी की बात करूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे हैलोजन्स में जो आयोडीन है वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, उससे कम छोटे साइज में ब्रोमीन,
उससे और छोटा हो जाता है क्लोरीन, उससे छोटा हो जाता है फ्लोरीन। ठीक है, आयोडीन साइज में सबसे बड़ा होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो इस वजह से इसका एलिमिनेशन बॉन्ड ब्रेकिंग में कम एनर्जी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से इसका एलिमिनेशन आसान होता है। ठीक है, तो अगर हैलोजन में एक लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी की बात करूँ तो फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, उससे ज्यादा ब्रोमीन, उससे ज्यादा आयोडीन की होती है। अब देखिए यहाँ पे फ्लोरीन जो होता है यही एक्सेप्शनल केस लेके आता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत ही छोटा है, तो जब ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसकी जो लिविंग टेंडेंसी है वो बहुत ही क्या होती है, पुअर होती है। ठीक है, तो यही हमारा केस टू लेके आता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास एक हेलो अल्केन है जिसमें कि यहां पे फ्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैंने फ्लोरीन के प्रेजेंस में यहां पे इस हेलो अल्केन का बीटा एलिमिनेशन करना है, तो देखिए ये अल्फा, ये आपके बीटा कार्बन्स, जहां पे ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इनमें से ही किसी को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं कि मैंने कोई बेस लिया, लाइक एथॉक्साइड आयन ही लिया, C2H5O- लिया। ठीक है, तो अब आइदर वो इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर सकता है या इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए यहां पे, ठीक है, एक नोट करने वाला पॉइंट है कि एक काम ये हो सकता था कि पहले अगर ये कोई बड़ा लिविंग ग्रुप होता, कोई अच्छा लिविंग ग्रुप होता लाइक आयोडीन, तो पहले वो रिलीज हो जाता। ठीक है, वो रिलीज होता, ये हाइड्रोजन रिलीज होता, साइमल्टेनियसली यहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता। ठीक है, लेकिन ये फ्लोरीन जो है बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो एक बार को जब ये बेस इस हाइड्रोजन को यहां से रिलीज करेगा, ठीक है, इस हाइड्रोजन को रिलीज करेगा या इस हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, तो इन कार्बन पे, ठीक है, क्या जनरेट होना शुरू होगा, एक निगेटिव चार्ज जनरेट होना शुरू होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, ये एच प्लस रिलीज होगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, एक माइनस चार्ज का जनरेशन होगा। ठीक है, ऐसे यहां से ये एक एच प्लस रिलीज होता तो यहां पे भी एक माइनस चार्ज का जनरेशन होता, और माइनस चार्ज मतलब क्या, ये लाइक कार्बन आयन का जनरेशन हो रहा है यहां पे। बात को समझ रहे हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन रिलीज होगा, मतलब ये होगा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी बढ़ रही होगी, बट ये फ्लोरीन जो है ये बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, ये यहां से रिलीज होना नहीं चाह रहा है, जब तक अनलेस अंटिल यहां पे बहुत ज्यादा निगेटिव चार्ज जनरेट ना हो जाए, जब सफिशियंटली निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा तभी ये फ्लोरीन यहां से रिमूव होगा। तो अब ध्यान दीजिए कि यहां पे जब निगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो ये बनेंगे कार्बन आयन, और कार्बन आयन में ये वाला जो कार्बन आयन होगा ये कैसा होगा, 2 डिग्री का कार्बन आयन होगा, जबकि ये वाला कार्बन आयन होगा ये कैसा कार्बन आयन होगा, 1 डिग्री का कार्बन आयन होगा। बात को समझ रहे हैं, और अगर मैं देखिए कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात करूं, ठीक है, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में क्या होता है, जो 1 डिग्री का कार्बन आयन होता है, ठीक है, वो 2 डिग्री के कार्बन आयन से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, 1 डिग्री का कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री के कार्बन आयन से। तो भी कौन बनना चाहेगा यहाँ पे, 1 डिग्री का कार्बन आयन या 2 डिग्री का कार्बन आयन, तो देखिए 1 डिग्री के कार्बन आयन में है ना रिएक्शन क्या करेगी, फेवर करेगी। अब ध्यान दीजिए, अगर ये बेस फिर इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो जो पाई बॉन्ड का जनरेशन होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन से अगर मैं इसकी रिएक्शन करता हूं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है, वो कौन सा प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट मेजर होने वाला है। ठीक है, अदर प्रोडक्ट जो इधर से सेकेंडरी कार्बन आयन वाली टेंडेंसी से जनरेट होगा वो कैसा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो वापस से देखिए यहाँ पे जो हाफमन प्रोडक्ट है इस कंडीशन में, पुअर लिविंग ग्रुप के प्रेजेंस में हाफमन प्रोडक्ट वो कैसा हो जाएगा, एक मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, जबकि ठीक है ये सेट ऑफ प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है, बात को समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम बात करें कुछ और कंडीशंस की, ये हमारे 2 केसेस हो गए, बल्कियल ग्रुप का प्रेजेंस या पुअर लिविंग टेंडेंसी। ठीक है, इसके बाद देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और है इसमें डिस्कस करने के लिए। ठीक है, कुछ कुछ क्वार्टनरी अमोनियम और सल्फोनियम बेसेस हैं जिनका भी अगर मैं डीकम्पोजिशन करूं, ठीक है, हीट करके, तो वो भी क्या देते हैं, हाफमन प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, चलिए उन कंडीशंस को हम डिस्कस करते हैं। क्लियर, ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है,
अदरवाइज वीडियो को वापस से रिवाइज करके आपको इजली समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने थर्ड केस की। ठीक है, केस थ्री। देखिए, अगर मेरे पास कोई भी क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट है, ठीक है, क्या है, क्वार्टनरी अमोनियम, ठीक है, एंड सल्फोनियम बेसिस प्रेजेंट है या सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस केस में भी क्या होता है, अगर हम इनका डीकम्पोजिशन कर रहे हैं बाय हीटिंग, ठीक है, तो डीकम्पोजिशन बाय हीटिंग, ठीक है, तो यहां पे भी देखिए क्या होता है, जो हाफमन प्रोडक्ट होता है, जो हाफमन प्रोडक्ट होता है वो हमें एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, हाफमन प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलता है। देखिए, जैसे हम अगर बात करें, ठीक, ये हमने एक साइक्लोहेक्सेन बनाया, ठीक है, इसके ऊपर ये लगा हुआ है NCS3 का होल थ्राइस, ठीक है, N प्लस OH माइनस, ठीक है, ये क्वार्टनरी अमोनियम बेस है, या इनिशियली ये क्या रहा होगा, एक क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट रहा होगा, नाइट्रोजन के साथ क्या है, चार अल्काइल ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए, यहाँ पे भी मैं अगर बात करूं, इसको मैंने हीट किया, ठीक है, तो यहां से भी देखिए, अब ये यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच है इस कार्बन से, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे देखिए ये कार्बन बीटा है, ये कार्बन बीटा है, ये कार्बन बीटा कार्बन है, ठीक है, तो अब देखिए OH माइनस जो है किस हाइड्रोजन को रिलीज करना, रिमूव करना, जो बेस है वो किस हाइड्रोजन को रिमूव करना पसंद करेगा, जो कि, ठीक है, लेस स्टीयरिक क्राउडेड है, ठीक है, तो बात आती है यहाँ पे वापस से हाइड्रोजन को रिमूव करने की, ठीक है, तो कौन सा हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन नहीं रिमूव होगा, ये वाला हाइड्रोजन नहीं रिमूव होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो रिलीज होगा, ठीक है, OH माइनस उस H प्लस को रिलीज करेगा, ठीक है, और जो यहां से भी प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, ठीक है, वो हाफमन प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा, ठीक है, ये नाइट्रोजन यहां से रिलीज हो जाएगा, ठीक है, बात को समझ रहे हैं, ये हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज होगा तो इस बॉन्ड को क्या करेगा, ये डबल करेगा, अब ये हाइड्रोजन डबल होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, वो बढ़ने लगेगी, तो वापस से इस कार्बन को ये वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके किसे देना पड़ेगा, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, ठीक है, तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये जो कंपाउंड है यहां से रिलीज हो जाएगा, ठीक है, वो एक टर्शरी अमाइन यहां से हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, साथ में हमें हाफ मन और सर्जप प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड हो गया, तो ये देखिए एक ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है, अगर सपोज करिए यहां से हमने ये हाइड्रोजन ने ये हाइड्रोजन रिलीज किया होता तो एक प्रोडक्ट यहां से भी जनरेट हो सकता था, बट वो माइनर प्रोडक्ट होगा, बहुत ही कम बनेगा वो, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शन देखूं तो ये वाला प्रोडक्ट अराउंड 99% होता है और ये वाला प्रोडक्ट कितना होता है 1% मिलता है, साथ में क्या रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, साथ में अगर बात करूं मैं तो NCS3 का होल थ्राइस रिलीज हो जाएगा एंड प्लस वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे वापस से देखिए ये जो हाफमन प्रोडक्ट है वो एज अ मेजर प्रोडक्ट होता है, जबकि जो सर्जप प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, कंडीशन ध्यान रखिएगा, क्वार्टनरी अमोनियम या सल्फोनियम बेसिस के कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है, सिमिलरली ये एग्जाम्पल बंद कर लेते हैं, ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं, ठीक है, सपोज करिए मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, NCS3 का होल थ्राइस प्लस OH माइनस, ठीक है, यहां पे भी अगर देखिए जो हाइड्रोजन रिलीज होगा यहां पे ये अल्फा, ये बीटा, ठीक है, ये बीटा 2 डिग्री का है, ये बीटा 1 डिग्री का है, इसका मैंने हाइड्रोजन ये बाहर करके लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जैसे ही ये हाइड्रोजन रिलीज होगा, H+ रिलीज होगा, ये सिग्मा
टूट जाएगा और इधर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, तो फिर ये नाइट्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे एक पाई बॉन्ड जनरेट हो सकता था, सिमिलरली इधर को भी एक पाई बॉन्ड जनरेट हो सकता था। ठीक है, बट यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा, वापस से ध्यान दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड इधर को जनरेट होगा, ठीक है, इसका परसेंटेज अराउंड 95% होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड जनरेट होता उसका परसेंटेज बहुत ही कम है, ठीक है, वो 5% कंटेन करेगा। ठीक है, जबकि यहां देखें तो स्टेबल अल्किन यही था, इसे मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए था, बट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी जो ये हाफमन प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट है, जबकि सेटचक प्रोडक्ट वो एक माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। एक और केस देखिए, मैं लास्ट केस का डिस्कशन कर लेता हूं। ठीक है, केस 4 की बात करते हैं। अगर मेरा कोई साइक्लिकल इस्टर है उसकी भी मैं पाइरोलिसिस करूं तो वो भी इस हाफमन रूल को ओबे करता है। ठीक है, अगर मेरे पास सपोज करिए ऐसा कोई साइक्लिकल इस्टर प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके का साइक्लिकल इस्टर प्रेजेंट है मेरे पास, ठीक है, इसका भी मैंने अगर डीकम्पोजिशन किया तो देखिए ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप भी मैं अटैच कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दो हैं, एक ये बीटा कार्बन प्रेजेंट है, एक ये बीटा कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, जब इसका हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते, पाइरोलिसिस करते, ठीक है, इसका अगर मैंने पाइरोलिसिस किया, ठीक है, तो दो प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी थी, एक बार पाई बॉन्ड का जनरेशन यहाँ पे हो सकता था, अदरवाइज पाई बॉन्ड का जनरेशन यहाँ पे हो सकता था, ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता, इस एस्टर का पाइरोलिसिस करते। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो मेजर प्रोडक्ट होगा, अब ये वाला फिर से वापस से कार्बन ध्यान दीजिए, ये वाला कार्बन कैसा है, 1 डिग्री का है, जबकि ये वाला जो बीटा कार्बन है ये कैसा है, 2 डिग्री का है। ठीक है, तो यहां से भी जो प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन प्रेफर करेगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस थे, ठीक है, जिनमें हाफमन प्रोडक्ट क्या हो जाता है, एज अ मेजर प्रोडक्ट हमें गेन होता है। इन कंडीशंस को ध्यान रखिएगा, बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तीसरे वीडियो लेक्चर में मैं वापस से कोई बहुत ही अच्छी रिएक्शन लेके आऊंगा, जो कि ZEE मेंस, नीट और एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ओके,